और तापस जी को और इस संस्था के सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक छोटा सा शेर याद आ रहा है, आंगन आंगन रोशनी के फूल हों, केवल अपने ही घर तक उजाला क्यों रहे। क्या बात, ये कार्य कर रहे हैं तापस जी और इनकी सहयोगी टीम कि कैसे प्रतिभाओं को निखारने का संवारने का काम यहाँ किया जा रहा है। कोई मूर्ति तभी बनती है, अभी बताया बहुत अच्छा, नौसिखिए हैं, सब इस राह पर चल रहे हैं, लेकिन असल में उड़ान पंखों से नहीं होती है, उड़ान हौसलों से होती है। क्या बात, और इनके हौसले और साथ में हम सबके हौसले बहुत बुलंद हैं, तो हमारे शहर की प्रतिभाएं सब निकल के बाहर आएंगी और वही एक दिन आसमान चूमेंगी, ऐसा मेरी बधाई है, मेरा संकल्प है। सबने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं अपनी प्रस्तुत की है। अभी अभी मैंने अपना विषय चेंज कर दिया क्योंकि टाइम की थोड़ी सी सीमा है, तो नववर्ष आने वाला है, सन 2018 अंतिम सोपान की तरफ है, विदा ले रहा है। हाँ, एक बात मैं भूल गई हूँ, इस शिखर शिशु सदन, यहाँ हमारे परिवार के सारे ही बच्चे यहाँ से पढ़कर के निकले हैं, तो सभी मेरी टीचर्स मित्र सब बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मंच पर मैं यहाँ आकर के कुछ मुझे कहने का मौका मिला है। सभी टीचर्स भी बहुत बधाई के पात्र हैं और प्रिंसिपल मैम के लिए विशेष मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी। तो ये 2018 बीत चुका है, बीत रहा है धीरे धीरे। 18 माना जाता है बालिग अवस्था, ये विचार मेरे मन में आया जी। कि 2018 यानी 21वीं सदी का 18वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। 18वां वर्ष माना एक समझदारी की उम्र, बालिग अवस्था। तो 19वें के सोपान पर 18वें के और 19वें के बीच में हम लोग खड़े हुए हैं, तो सन 19वें के शुभारंभ पर अभी से मेरी शुभकामनाएं, प्रेम से लो शुचि हृदय की शुद्ध पावन भावनाएं। क्या बात है मैम, आपका घर हो भरा सुख शांति वैभव से सदा, आपका घर हो भरा सुख शांति वैभव से सदा, और मित्र संबंधी जनों के भी बड़े सुख संपदा, मित्र संबंधी जनों के भी बड़े सुख संपदा। एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। स्वागत है 21वीं सदी के 18वें सोपान के संयोग का। क्या बात, स्वागत है, क्या भाषा है? 21वीं सदी के 18वें सोपान के संयोग का, निर्णय की स्वच्छंदता, निर्णय की स्वच्छंदता व अधिकारों के सदुपयोग का, निर्णय की स्वच्छंदता व अधिकारों के सदुपयोग का स्वागत है 21वीं सदी के 19वें सोपान के संयोग का। बचपना समझकर, विद्यार्थी लोग प्लीज ध्यान दें, स्टूडेंट्स आपके मतलब की बात है, स्टूडेंट्स के लिए है, ये साल क्या है, ये हम सब लोग एक करेक्टर हैं और इस साल को हमें जीना है। 19वां यानी सबकी समझदारी की उम्र शुरू हो गई है, जिनकी नहीं हुई है उनकी नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। बचपना समझकर अनदेखा किया कई बार, बचपना समझकर अनदेखा किया कई बार, चंचल चपल उच्छृंखलताओं को, नादानियों मनमानियों की विक्षेपताओं को। जब भी बच्चों से कोई मिस्टेक होती है, नादानियां और उच्छृंखलता, माता पिता पेरेंट्स टीचर्स गार्जियन सब उसे माफ कर देते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी, तो उससे विक्षेपित भी होते हैं, पर बचपना समझकर अनदेखा किया कई बार, चंचल चपल उच्छृंखलताओं को, नादानियों मनमानियों की विक्षेपताओं को, पोषण किया संस्कारों के जल से सींच कर, पोषण किया संस्कारों के जल से सींच कर, और अब तुम हो बालिग होने की दहलीज पर। क्या बात, और अब तुम हो बालिग होने की दहलीज पर। समय को अपेक्षा है, समय को अपेक्षा है संयमित एवं सुगठित व्यक्तित्व की पहचान, समय को अपेक्षा है संयमित एवं सुगठित व्यक्तित्व की पहचान, उत्तरदायित्वों की समझ और कर्तव्यों का ज्ञान, उत्तरदायित्वों की समझ और कर्तव्यों का ज्ञान, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, स्वार्थ से हटकर के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, फूंकना होगा शुभ संकल्पों का शंखनाद, मिटाना होगा अनीति और आतंकवाद, फूंकना होगा शुभ संकल्पों का शंखनाद, मिटाना होगा अनीति और आतंकवाद, कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं हो कर्म क्षेत्र का सृजन, कुरुक्षेत्र नहीं हो कर्म क्षेत्र का सृजन, नारी सम्मान
नैतिक मूल्यों का गठबंधन, उज्जवल भविष्य का भवन, क्योंकि उज्जवल भविष्य का भवन बनेगा इसी नींव पर, सावधान क्योंकि तुम हो बालिग होने की दहलीज पर, सावधान क्योंकि तुम हो बालिग होने की दहलीज पर। एक थोड़ा सा बस लाइन्स और हैं। महत्वाकांक्षाओं के चित्र मर्यादा के पन्नों पर बनाना, बहुत एम्बिशन होती है, बहुत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, निर्बाध छोड़ दिया जाए, तो वो भी कहीं पर परिणाम उसके गलत हो जाते हैं। इसलिए महत्वाकांक्षाओं के चित्र मर्यादा के पन्नों पर बनाना, परंपरा संस्कृति व संस्कार के रंगों से सजाना, परंपरा संस्कृति व संस्कार के रंगों से सजाना, क्योंकि विजय श्री का तिलक तभी सजेगा स्वाभिमान के उन्नत भाल पर, जब दृष्टि होगी स्वार्थ की जगह परमार्थ, जब दृष्टि होगी स्वार्थ की जगह परमार्थ, और परिणाम से पहले बोए जाने वाले बीज पर, और परिणाम से पहले बोए जाने वाले बीज पर, क्योंकि तुम हो बालिग होने की दहलीज पर, क्योंकि तुम हो बालिग होने की दहलीज पर। स्वागत है 21वीं सदी के 19वें सोपान के संयोग का, निर्णय की स्वच्छंदता व अधिकारों के सदुपयोग का, क्योंकि तुम हो बालिग होने की दहलीज पर। इस कविता के सुंदर कार्यक्रम को देख करके जिन्होंने लिखी हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं लिखी हैं उनके लिए भी उनके मन में कुछ आ रहा होगा, उनकी फीलिंग को मैं इन शब्दों में, विता करें सभी का ऐसा मन करता होगा, हम भी कविता करें सभी का ऐसा मन करता होगा, भाव रूपी कुछ पुष्प संजो कर तरल हृदय में उन्हें भिगो कर, भाव रूपी कुछ पुष्प संजो कर तरल हृदय में उन्हें भिगो कर, शब्द सूत्र में पिरो पिरो कर भांति भांति के फूलों का एक हार सृजन करता होगा, हम भी कविता करें सभी का ऐसा मन करता होगा, कभी कल्पना उड़े गगन में, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कभी कल्पना उड़े गगन में, क्षण आंगन और क्षण उपवन में, सिहरन सी होती हो मन में, गुनगुन सी होती हो मन में, भांति भांति के भावों का, भांति भांति के भावों का सुंदर सा गुंचन होगा, हम भी कविता करें सभी का ऐसा मन करता होगा। थैंक यू, धन्यवाद।